प्रॉपर्टी रेंट पे यदि टीडीएस काटा गया है तो एक किराएदार को ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे कि उसका प्रॉपर्टी ओनर उस टीडीएस का क्लेम अपने आईटीआर में ले सके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आरके मौर्या फ्रॉम द मौर्या एफटी क्लासेस, जहां पे कि हम फाइनेंस टैक्सेशन और अकाउंटिंग के बारे में बातें करते हैं। सेक्शन 194 IB के बारे में यदि डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से सेक्शन 194 IB को देख सकते हैं जिससे कि आपको TDS का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेंट प्रॉपर्टी पे तो वो क्लियर हो सके। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखते हैं जिससे कि एक टेनेंट जो है अपने TDS रिटर्न को और TDS डिपॉजिट को खुद ही कर सकता है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्रॉपर्टी रेंट पे जो TDS डिडक्ट की जाती है उसका चाहे TDS डिपॉजिट करना हो या फिर TDS रिटर्न फाइल करना हो उसके लिए फॉर्म 26QC का यूज़ किया जाता है। फॉर्म 26QC को फाइल करने के लिए आपको proteantinpan.com की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्विसेज में आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्विसेज में आपको फॉर्म 26QC कहीं भी मेंशन नहीं है। थोड़ा सा प्रोटीन टिनपैन की जो वेबसाइट है थोड़ी सी चेंज की गई है। यहाँ पे आपको ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स पेमेंट फैसिलिटी हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम ओल्टास ई पेमेंट टैक्स। अब ये incometax.gov.in की वेबसाइट पे ही आप फॉर्म 26QC को फाइल कर सकते हैं और अपने टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको सीधे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फॉर्म 26QC कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेमेंट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको फॉर्म 26QC का रिटर्न भी फाइल करना है और साथ में आपको TDS डिपॉजिट भी करना है। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन बटन पर आना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यदि आप लॉग इन पहले से रजिस्ट्रेशन आपका पोर्टल पर है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की वीडियो की जो लिंक है मैं आई बटन पे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी आईडी यानी कि अपना पैन नंबर यहाँ पे इंटर करना है। पैन नंबर इंटर करने बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। लॉगिन होने के बाद आप ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू पेमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको टैब मिलेंगे, लेकिन इसमें हमें फॉर्म 26QC को फाइल करना है जो कि TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए जो टेनेंट है जिसने कि TDS रेंट पे काटी हुई है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे प्री फिल्ड होकर के आ जाती है। उसे कुछ भी यहाँ पे फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें कि पैन नंबर, आधार नंबर, नेम जो टेनेंट का है, कैटेगरी जो है पैन नंबर की वो आ जाती है, एड्रेस आ जाती है जो टेनेंट है किरायेदार है, तो ये सारी डिटेल किरायेदार की यहाँ पे आ जाती है क्योंकि ये किरायेदार ही फॉर्म 26QC को फाइल करता है और TDS का रिटर्न और TDS की डिपॉजिट भी वही करता है। यहाँ पर देखिए आपको नीचे जो है लिख रहा है वेदर मोर देन वन टेनेंट, क्या आपके साथ में जो है एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब को टेनेंट है, आप भी रह रहे हैं, आपका कोई मित्र रह रहा है या फिर आपका कोई रिलेटिव आपके साथ में रहता है, तो उस केस में जो को टेनेंट के केस में एक दूसरा फॉर्म जो है फॉर्म 26QC फाइल करना होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ फिल अनदर फॉर्म 26QC फॉर को टेनेंट शेयर। तो शेयरिंग के लिए आपको अलग से फाइल करना होगा फॉर्म 26QC, वही प्रोसेस होगा जो ये प्रोसेस हमने आपको बताई है। मेरे केस में नो है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस लैंडलॉर्ड की फिलअप करनी है, जो आपका मकान मालिक है जिसकी बिल्डिंग आपने किराए पे ले रखी है उसका पैन नंबर आपको यहाँ इंटर करना है और पैन नंबर को फिर से कंफर्म करना है। यहाँ पे अपने लैंडलॉर्ड का आधार नंबर इंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे लैंडलॉर्ड का तो लैंडलॉर्ड का नेम और कैटेगरी ऑफ पैन ये सब ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंडलॉर्ड का एड्रेस फिल करना है और उसका रोड, स्ट्रीट, सेक्टर, ब्लॉक, पिन कोड इंटर करना है।
करना है, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, लैंडलॉर्ड का एरिया लोकेलिटी सेलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक के आधार कार्ड के पीछे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, उसकी डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट, मोबाइल नंबर इंटर करना है, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही मैंडेटरी है, यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर से मार्क्स किया हुआ है। और यहाँ पे नीचे लिखा वेदर मोर देन वन लैंडलॉर्ड, यदि एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड यदि आपके हैं, मतलब कि आप एक ही मकान मालिक के यहाँ तो रह रहे हैं लेकिन आप जो है दूसरे लैंडलॉर्ड के यहाँ भी आप किराए पे ले रखे हैं, तो उस केस में आपको एक अनदर फॉर्म 26 QC फाइल करना होगा। यदि आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में रहते हैं जहाँ पर कि को ओनर का केस है, मतलब कि उस मकान के दो मालिक हैं या तीन मालिक हैं, तो उस केस में भी आपको जो है फॉर्म 26 QC अलग अलग लैंडलॉर्ड का फिलअप करना पड़ेगा। वहाँ पे उनका शेयर जो है डिफाइन करना होगा कि कितना शेयर उनका है, 50-50 है या 25 है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है फॉर्म 26 QC भी अलग अलग लैंडलॉर्ड का फाइल करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। कंटिन्यू बटन पे जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स अप्लीकेबल में देखिए इनकम टैक्स और TDS ऑन रेंट का ये 800 माइनर हैंड में, और यहाँ पे लैंडलॉर्ड का रेजिडेंट स्टेटस आ जाता है। और इसके बाद टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में जो आपने प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी उसकी टाइप क्या है, क्या वो लैंड है या फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग में शॉप्स, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, बंगला या क्या है, यदि दोनों है तो दोनों पे सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी की एड्रेस अब आपको यहाँ पे इंटर करनी है। जनरली क्या होता है कि मकान मालिक का एड्रेस कुछ और होता है लेकिन जो प्रॉपर्टी किराए पे दे रखा है उसका एड्रेस कुछ और होता है, तो जो प्रॉपर्टी की एड्रेस जो आपके रेंट एग्रीमेंट में मेंशन है उस प्रॉपर्टी के एड्रेस को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और उसमें उसका जो बिल्डिंग और डोर का जो ब्लॉक नंबर वो इंटर करना है। इसके बाद स्ट्रीट रोड किस जगह पे स्थित है उसका पिन कोड इंटर करना है, पोस्ट ऑफिस यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और लोकेलिटी सेलेक्ट करना है किस लोकेलिटी में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ टेनेंसी बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि आप जो है कितने महीने उस घर में आपने आप किराएदार के तौर पे आप रहे, तो आप जैसे यहाँ पे 12 मंथ्स आप इंटर करते हैं तो आपने टोटल वैल्यू जो है रेंट की आपने कितना पेमेंट करी है वो वैल्यू आपको एंटर करनी है, और वैल्यू ऑफ रेंट पेड इन लास्ट मंथ। तो आप जो है फाइनेंशियल ईयर जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, तो 31 मार्च को आपने लास्ट मंथ में कितना पेमेंट करा वो अमाउंट आपको यहाँ एंटर करना है। इसके बाद आपने अमाउंट पेड और क्रेडिटर में टोटल आपने कितना पेमेंट किया पूरे साल भर में, तो आप देखिए यहाँ पे 11 महीना तो आपने 660,000 दिया लेकिन जो लास्ट मंथ था मार्च का वहाँ पे आपका 12 मंथ्स कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पे एक 60,000 रुपीज़ का पेमेंट जब जुड़ जाता है तो 720,000 रुपीज़ आता है। इसके बाद रेट जो है ये ऑटोमेटिक आ जाता है, आपका TDS अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आकर के फंसते हैं कि डेट कौन सा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, दो तीन क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो जनरली लोगों के माइंड में ये आता है कि फॉर्म 26 QC को क्या हम मंथली फाइल करें या ईयरली फाइल करें, तो एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी हो आप उसके अनुसार इसको फाइल कर सकते हैं। यदि आप मंथली यदि फाइल करेंगे तो आपको हर महीने TDS डिडक्ट करना होगा और उसके बाद अगले महीने के 30 तारीख के अंदर तक आपको उसका पेमेंट करना होगा, फॉर्म 26 QC को फाइल करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 30 दिन का जो ड्यू डेट है वो तुरंत एप्लीकेबल हो जाता है जब आप लैंडलॉर्ड के अकाउंट को क्रेडिट करें या उसको पेमेंट करें, जो दोनों में से जो पहले डेट होगा उसके 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म 26 QC फाइल करना होगा। यदि आप हर महीने फाइल करेंगे तो आपका कंप्लायंस बर्डन बढ़ेगा, आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, इससे बेहतर यही है कि आप ईयरली जो है आप फॉर्म 26 QC को फाइल करें, पूरे साल भर का रेंट आप जो है जो पेमेंट आपने किया है और जो लास्ट मंथ में आप पेमेंट करने जा रहे हैं पूरे साल भर के रेंट पे आप जो है TDS को डिडक्ट करें और फॉर्म 26 QC को आप फाइल करें। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि इफ वैकेटेड एनी टाइम, जैसे होता है क्या है कि जो रेंट एग्रीमेंट बनता है तो उसमें यदि आपने प्रॉपर्टी को साल के बीच में कभी भी मान लीजिए खाली कर दिया मकान को, तो उस केस में आप TDS डिडक्ट कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आता है। तो उस केस में भी यही है कि जब आप प्रॉपर्टी को वैकेट करते हो, खाली करते हो, तो उसी समय आपने जो भी लैंडलॉर्ड को रेंट पेमेंट किया है वो उस रेंट पे आप जो है TDS डिडक्ट करो और फॉर्म 26 QC को आप नेक्स्ट मंथ के 30 डेज के अंदर आप उसको
फाइल कर दो और TDS का पेमेंट कर दो। जैसे मान लीजिए कि आप फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्टिंग करते हैं, आपने 1 अप्रैल से लेकर के कहीं किराए पे आपने मकान ले रखा है और आपने एक रेंट एग्रीमेंट बनवाया 11 मंथ्स का, और आप सितंबर तक आते आते बिकॉज ऑफ जॉब ट्रांसफ़र या फिर कोई इमरजेंसी आ गई, आप जो है घर छोड़ करके जा रहे हो, तो उस केस में आपने 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक जो भी आपने रेंट पेमेंट किया है उस रेंट पे आप TDS डिडक्ट करोगे, और आप जो है अक्टूबर के 30 तारीख के अंदर जो है आप फॉर्म 26 QC को फाइल करके। तो आई होप कि आपके डाउट्स जो होंगे, जो सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो यहाँ पे आपको जो जनरली 31 मार्च 2023 सेलेक्ट करना, डेट ऑफ डिडक्शन भी यही सेलेक्ट करना, इसके पहले की कोई डेट है मार्च की ही है तो आपको मार्च की डेट सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल पेमेंट आपका 36,000 रुपीज आ चुका है, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। और इसके बाद नीचे जब आएंगे तो आपका ये जो कुछ भी है डिटेल्स, पेमेंट की डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ चुकी है। इसमें आप देखिए कई सारे मोड ऑफ पेमेंट हैं जिससे कि आप अपने TDS का पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और पेमेंट पेड बैंक काउंटर, RTGS, नेट पेमेंट गेटवे। यदि आपका नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड वगैरह नहीं है तो आप पेमेंट गेटवे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि नेट बैंकिंग में यदि है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देखिए सारी जो फॉर्म्स वगैरह जो आपने फिलअप की थी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फॉर द सिक्योरिटी रीजन मैं फॉर्म को नहीं शो कर रहा हूँ आपको, और पूरी डिटेल्स जितनी भी आपकी डिटेल और लैंडलॉर्ड की डिटेल सारी डिटेल्स इसमें आ जाती है, और आपको वेरीफाई कर लेना। यदि कोई गलती इसमें दिख रही है आपको तो आप बैक बटन पे जा करके उसको एडिट करके आप सुधार सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, आप पे लेटर पे भी पे लेटर कर सकते हैं या फिर पे नाउ कर सकते हैं। पे लेटर यदि करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप किसी भी आगे वाली डेट पे आप जा करके, मान लीजिए कि आपको बाद में पेमेंट करना है 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, तो आप पे लेटर वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे आपको फॉर्म 26 QC तो सबमिट हो जाएगा, और उसके लिए आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, और आप उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के आधार पे पेमेंट बाद में कर सकते हैं। और पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप अभी ही इसको आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप अपने बैंक के पोर्टल पे आप चले जाएंगे, सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया है उसके इंटरनेट बैंकिंग पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप जो है अपने TDS का डिपॉजिट जो है आप कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन ये होता है कि क्या इसको TDS डिपॉजिट करने के बाद क्या फॉर्म 16 जो है तुरंत जनरेट हो जाएगा जो TDS सर्टिफिकेट होता है। तो ऐसा है कि आपको एक बार पहले पेमेंट करके देखना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फॉर्म 26AS और AIS जो लैंडलॉर्ड का है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, इसलिए क्योंकि आप ई फाइलिंग पोर्टल पे आ करके आप TDS डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से वो तुरंत अपडेट हो जाना चाहिए। तो यदि आपको इसमें कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वैसे मैंने सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।